दुनिया में दो प्रकार के सोच हैं, एक त्यागवादी सोच है और एक उपभोगवादी सोच है। उपभोगवादी लोग प्रेम, करुणा और अहिंसा से दूर खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके सोच में सिर्फ एक बात रहती है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को भोगूं। और दुनिया की जितनी भी चीज़ बनी है, सकल पदार्थ है जगमाई, भागहीन नर पावत नहीं, कि चौपाई को वो बार बार पढ़ते और दोहराते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि ये उपभोगवादी सोच जो है हमारे लिए काफ़ी घातक है। क्योंकि संयम और असंयम की दो चीज़ों की सामने बात है। उपभोगवादी सोच वाले असंयम के रास्ते पर सरपट चला जाता है, जिसके ऐसी गाड़ी होती जिसके पास ब्रेक नहीं होता है और चलता चला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसके इस रनिंग में, उसकी इस दौड़ में एक अंधापन होता है, और उस अंधापन का परिणाम सामने ये आता है कि वह अपने विषय को विष नहीं मान पाता है। जबकि हमारे आचार्यों ने एक बात की है कि विषय विष के समान हैं और भोग जितने भी होते हैं वो जहर के समान होते हैं, और इन भोग के जहर के लिए व्यक्ति जो होता है उपेक्षा नहीं करना चाहता है, और भोगे हुए भोग की बार बार याद करता है। हमने देखा है गुजरात में मैं रहा हूँ एक साल के लगभग, तो वहाँ पर लोग आइसक्रीम खाने की एक पहले प्लानिंग बनाते, तो 8 दिन तक आइसक्रीम खाने की प्लानिंग बनाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर ये करेंगे, और 8 दिन तक उस आइसक्रीम, खाई हुई आइसक्रीम की सबको कहानी सुनाते रहते हैं। यानी 15 दिन तक उनकी आइसक्रीम चलती रहती है, सिर्फ आइसक्रीम। तात्पर्य ये है कि हम लोग जो भोगों के भोगने की बात कहते हैं, विषय विस्तोनुपेक्षा अनुस्मृति रति लौलमति त्रिषानुभवो भोगोपभोग परिमा व्यतिक्रमाय पंच कथ्यन्ते। आचार्य समंतभद्र देव ने अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रत्नकरणक सराफका 4 में ये कह दिया है कि विषय विष की अनुपेक्षा उपेक्षा नहीं करता है, अर्थात आदर होना और भोगे हुए भोग की स्मृति होना, और इसके साथ साथ वो कहते हैं अति लोलुपता होना। और आदमी अति लोलुपता में न जाने क्या क्या गलत सलत खाता रहता है, क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि फूड पॉइजन जो होता है, वो फूड पॉइजन ऐसा नहीं होता है कि आदमी को पता न लगे, सब पता लग जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ उसकी खाने की लोलुपता अधिक होती है, और लोलुपता की अधिक होने के कारण से अति तृषानुभवों और आगामी भोगों की तृष्णा भी रखता है। अब मुझे ये मिले, मुझे ये खाना है, मुझे पीना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वो पहनना है, तो दिन रात हम लोग सिर्फ भोग और उपभोग में ही अपना जीवन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु एक विचार करें, एक सोचें कि ये भोग आपने कितने भोगे, भोगे भोग में चक्रीपथ पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे तो भी तनिक भये नहीं पूर्ण, भोग मनोरथ मेरे। भोगों के मनोरथ, भोगों की मनोकामना अपनी कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, क्योंकि जितने हम भोगते चले जाते हैं उतने ही भोग हमारे सामने आते चले जाते हैं।